Hello everyone. Today we are starting our lesson number 4, the story of America. अब बेटा ये lesson start करने से पहले इसके important point जो है मैं आपको बता दूँ. ये lesson जो है वो HRE 3 पर बेस है. देखो आपको मैं बता दूँ HRE 3 जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये डेजर्ट में पाया जाता है और इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और इसके बहुत सारे यूज है. देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है केचारी ट्री आर मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरिया. दिस ट्री हैव अ वेरी लाइट फ्रूट कॉल्ड संगार. दिस फ्रूट्स आर ईटन बाय द बिश्नोई ट्राइब. इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. इट कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर. अच्छा अभी आप सभी को पता है कि जो डेजर्ट होता है वहाँ पर पानी है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वहाँ पर ट्रीज का होना पॉसिबल नहीं है. पर ये जो केजारी ट्री है वो केजारी विलेज में जोधपुर के पास होता है और इसको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए. और बेटा इस ट्री में दूसरी क्या बात है कि ये ट्री जो है वो फ्रूट देता है जिसको हम संगारी बोलते हैं. और ये ट्री जो है वो स्पेशल ये बिश्नोई ट्राइब यानी जो बिश्नोई जनजाति जो है वो लोग जो है वो इस ट्री को बहुत मानते हैं. इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, वो स्टोरी ही हमको पढ़नी है. पर उससे पहले मुझे आपको इस ट्री के बारे में बताना जरूरी था, इसलिए मैं इस ट्री के बारे में आपको बता रही हूँ. अच्छा अभी हमें सभी को पता है कि ट्री जो है वो हमारे फ्रेंड है. ट्री हमको ऑक्सीजन देते हैं, ट्री हमको फूड देते हैं, ट्री हमको मेडिसिन देते हैं, बराबर. तो हम ट्री के बिना नहीं, ट्री हमारे बिना रह सकता है पर हम ट्री के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. हमको जीने के लिए ट्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए जो है हम एक एक ट्री बोते हैं अभी ये रेनी सीजन में. तो ये जो स्टोरी है अमृता की स्टोरी है उसमें एक केजरी ट्री के बारे में बताया है कि ये ट्री जो है वो राजस्थान के जोधपुर एरिया के विलेज केजारी में पाया जाता है और जहाँ पर कौन सी ट्राइब रहती है, बिश्नोई ट्राइब. ये बिश्नोई ट्राइब बेटा टोटली डिपेंड है इस ट्री पर. इस ट्री में से इनको फूड मिलता है, इस ट्री में से इनको मेडिसिन मिलती है, इस ट्री की लीव जो है इनके कैटर्स खाते हैं, इसलिए ये ट्री जो है इनके लिए बहुत महत्व रखता है. तो इस ट्री के बारे में इस पूरे लेसन में पढ़ना है. और इससे पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन देना जरूर समझा, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि ये जो है वो केजारी ट्री है और ये राजस्थान के जोधपुर एरिया के पास मिलता है और बिश्नोई ट्राइब जो है वो उस पर कंप्लीटली निर्भर है. नाउ हियर व्हाई आर ट्रीज कॉल्ड अवर फ्रेंड्स. ट्री को हम हमारा फ्रेंड क्यों बोलते हैं. इस लेसन में ये चीज मेंशन है बेटा, इस लेसन में ये बोला है कि हम जो ट्री जो है वो हमारे बिना रह सकते पर हम ट्री के बिना नहीं रह सकते. तो ये पॉइंट जो है ये पूछा है कि व्हाई आर ट्रीज कॉल्ड अवर फ्रेंड्स. ट्री को हमने हमारा फ्रेंड क्यों बोला है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड दिस. Trees provide us with food that is necessary for life. Tree जो है वो हमको क्या देते हैं बेटा, फूड देते हैं और जो हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है. Trees provide wood for the making furniture. Tree में से हम क्या बनाते हैं, तो tree में से हम फर्नीचर बनाते हैं, लाइक सोफा है, फिर हमारे विंडोज है, फिर डोर है, तो ये सारी चीज़ें किसमें से बनती है, तो tree में से बनती है. फिर Trees purify air. ट्री जो है वो हमारी एयर बराबर अच्छे से साफ सुथरी रखते हैं, यानी वो हमको ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो भी जो है हमारा लाइफ सर्कल बराबर चलता है, अदरवाइज हमारा लाइफ सर्कल बराबर चलेगा नहीं. ट्रीज ब्रिंग रेन एंड स्टॉप सॉइल इरोजन. देखो ट्री जो है वो क्या लाते हैं, रेन लाते हैं. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अभी भी बताई हूँ कि ट्री रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेन के लिए. तो और रेन आई बेटा और ट्री अच्छे हुए तो वो सॉइल इरोजन को भी स्टॉप करेंगे. कैसे स्टॉप करेंगे कि उसकी जो रूट्स है वो क्या करेगी कि उस सारी मिट्टी जो है वो अपने अंदर बराबर एकदम जकड़ के रखेगी, जिससे वो बाढ़ आने पर या ज़्यादा पानी आने पर मिट्टी जो है पानी के साथ बहकर बाहर ना चले. ट्री प्रोवाइड
सबसे मेन जो है हमको ऑक्सीजन देती है बेटा। विदाउट ऑक्सीजन जो है हम नहीं जी सकते, तो हमको ऑक्सीजन कौन देता है? ट्री देता है। और हम ट्री को क्या देते हैं? तो हम ट्री को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये आगे की क्लास में आपको पढ़ने में आएगा। और यदि से प्राइमरी में आपको इंट्रोडक्शन बताया कि ट्री हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ट्री हमारे लिए जरूरी है। और अभी जो है स्टोरी ऑफ कंप्लीट आपको पूरे ट्री से रिलेटेड है, इसलिए मुझे आपको ये सारी बातें पहले बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें समझाई। और अब इसके बाद जो है हम लेसन समझेंगे बेटा। इस लेसन में जो है वो इस खेजारी ट्री के बारे में हमको पढ़ना है। और इसमें जो हमारे मेन कैरेक्टर है अमृता, वो जो है वो एक छोटी सी बच्ची थी और वो राजस्थान के एक छोटे से विलेज में रहती थी जहाँ पर खेजारी ट्री पाए जाते थे। नाउ हियर इज द इंफॉर्मेशन, नाउ हियर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द विलेज। खेजारी विलेज इज लोकेटेड नियर जोधपुर सिटी राजस्थान। मैंने आपको पहले बता दिया था कि खेजारी विलेज कहाँ पर, तो जोधपुर सिटी राजस्थान में, बराबर ना। मेनली खेजारी ट्री ग्रोज है, वहाँ पर बहुत सारे खेजारी ट्री होते हैं। तो पीपल ऑफ दिस विलेज लव प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये विलेज में रहने वाले पीपल जो है उनको प्लांट और एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। दे बिलीव दैट ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड दे सेड इफ ट्रीज कैन देयर वी आर देयर। तो आपको ये मैंने बताया कि जो खेजारी ट्री है वो राजस्थान में जोधपुर के पास है और वहाँ पर जो है खेजारी ट्री मिलते हैं। हिस्ट्री में से मैंने आपको बता दिया कि उनको क्या मिलता है, तो उनको फ्रूट्स मिलते हैं, उनको फिर मेडिसिन मिलती है, फिर उनको उनके ये ऊँट और सबके लिए जो है फूड मिलता है। तो ये ट्री जो है वो उनके लिए राजस्थान में स्पेशली राजस्थान में वरदान देता है, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान ऐसा एरिया है जहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पर ग्रीनरी नहीं होती है। और कब बारिश में किसी भी झाड़ का वहाँ होना, किसी भी पेड़ का वहाँ होना, वो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वरदान जैसा ही होता है। तो ये बिश्नोई जो बिश्नोई ट्राइब है वो उनके लिए खेजारी ट्री जो है वो वरदान देता है। इस खेजारी ट्री से जो है उनको अपनी डेली रूटीन की सारी चीज़ें मिल जाती है, इसलिए वो लोग इसको बहुत यानी कल्पतरु जैसा मानते हैं। आपको पता है कल्पतरु यानी क्या होता है बेटा? कि जो ट्री हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो उनके लिए जो है वो ये कल्पतरु जैसा ही है, बराबर ना। तो उन्होंने इसलिए ये बात भी बोली है, देखो इसमें मैंने लिखा है दे सेड इफ ट्रीज आर देयर वी आर देयर, यानी ट्री यहाँ पर है तो भी हम यहाँ रह सकते हैं, वरना हमारे यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। और आप सभी को पता है कि ह्यूमंस के लिए एनिमल्स के लिए वाटर फूड और एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप राजस्थान के डेजर्ट एरिया में रहते हो तो आपको पता है कि वहाँ तो ऑलरेडी वाटर की शॉर्टेज होती है, वहाँ पर ग्रीनरी नहीं होती है, तो वहाँ लाइफ जो है वो इतनी पॉसिबल नहीं है। पर ड्यू टू दिस ट्री वहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती है, उसमें से एक ट्राइब से बिश्नोई ट्राइब। और उन्होंने क्या बेटा माना है कि ये ट्री जो है वो उनके लिए वरदान वरदान है, भगवान का दिया हुआ वरदान है। इस ट्री की वजह से वो जो है इस एरिया में सर्वाइव कर पा रहे हैं और उन लोगों को ये ट्री से और अपने एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। एट प्रेजेंट भी बेटा हम इस एरिया में जाए तो हम देखेंगे कि फ्रीली वहाँ पर जो एनिमल्स है वो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, उनको कोई मारता नहीं है। तो इन शॉर्ट इस स्टोरी में हमको जो पढ़ना है वो मैंने आपको पहले प्राइमरी इंट्रोडक्शन में बता दिया है। आपको यदि ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस ट्री के बारे में इसमें बात है। और इसमें देखो ये जो अमृता है उसको मेन कैरेक्टर बताया है। और देखो आपने ये चिपको मूवमेंट, मैंने आपको शायद आपने सुना हो चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था बेटा। वो किस लिए चलाया था? कि जो ट्री काट रहे थे तो उनको उसका अगेंस्ट जा रहा था, उनको नहीं कटवा रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि जो अपने आर्म्स है वो आर्म्स ट्री के चारों तरफ ट्री को ऐसे जकड़ लिया। तो इसमें अमृता में अमृता ने भी सेम टू सेम वैसा ही करा सुंदरलाल बहुगुणा जैसा, कि जब राजा के सैनिक स्ट्रेंजर्स वहाँ पर आए और वो एक ट्री काटना चाहते थे, तो अमृता और उसके जितने भी विलेजर्स थे सबने जो है ट्री को अपने आप से जकड़ लिया और ट्री नहीं काटने दिए और
कटिंग पे बैंड बैंड कर दिया और सॉरी री कटिंग पे बैंड कर दिया और दोहे वहां पर उन्होंने ऐसा बोला कि अब दोहे यहाँ पर कभी भी कोई भी दिन काटने नहीं आएगा बेटा। तो आपको भी पूछा जाए कि चिपको मूवमेंट किसने। अच्छा बेटा ये हमने क्या कि जैसे एट प्रेजेंट अभी चिपको मूवमेंट चल रहा है वो किसने चलाया था, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था 1970s में बेटा। और ये कहाँ पर उत्तराखंड में चला था एट प्रेजेंट जो है ये चिपको मूवमेंट जो उसमें वुमन सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। और इस मूवमेंट में क्या है कि जो जो वुमन्स है वो अपने आर्म्स जो है वो पेड़ के साथ पूरे जोड़ देती है जिससे जो है पेड़ को कोई काट ना सके। तो इस पे इस स्टोरी में अमृता ने भी सेम टू सेम ऐसा ही करा था और एट प्रेजेंट अभी जो हमारा मूवमेंट चल रहा है वो चिपको मूवमेंट उसमें भी सेम टू सेम यही चीज़ हो रही है। ये कब चालू हुआ था 1970s में हुआ था और ये किसने चलाया था तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था बराबर। और कहाँ पर चालू हुआ था सबसे पहले तो उत्तराखंड में चालू हुआ था। ना बेटा मैं पहले आपको ये एरिया का मैप बता दूँ। मैं राजस्थान राजस्थान घूम रही हूँ तो हमको इतना पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो यहाँ पर आया और राजस्थान की कैपिटल कौन सी है तो जयपुर। और ये जो विलेज जिस विलेज के बारे में मैं बोल रही हूँ वो विलेज कहाँ पर आया तो विलेज वो जो है देखो मैं बता दूँ आपको ये बीकानेर आया इस साइड जो है वो विलेज आया है। और यहाँ पर जो है बेटा आप देख सकते हो कि यहाँ जैसलमेर और ये वाला जैसलमेर जोधपुर का जो हिस्सा पड़ता है यहाँ पर हमारा डेजर्ट है यानी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती नहीं है और जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है वहाँ वेजिटेशन भी नहीं मिलेगा। पर ये एक ट्री ऐसा है जो लेस यानी लेस वाटर में भी अच्छे से होता है और ये ट्री जो है वो उनके लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ देता है। जैसे सबको हमारे पास मैंगो ट्री हो तो हमको मैंगो ट्री में से अच्छे मीठे आम मिलते हैं वैसे ही ये जो खेजारी ट्री है वो उनके लिए फ्रूट देता है फिर उनके कैटल्स के लिए जो है वो उनके लिए फूड देता है फिर मेडिसिन देता है। और ये ट्री में बेटा इंसेक्ट नहीं लगते यानी ये ट्री जो है उनके लिए मल्टीपर्पज़ है। तो ये राजस्थान का हिस्सा और इस राजस्थान के हिस्से में जो है यहाँ इस साइड खेजारी विलेज आया है। और वहाँ पर कौन सी ट्राइब रहती है तो वहाँ पर बिश्नोई ट्राइब रहती है। और ये ट्राइब को क्यों नाम मिला बिश्नोई बेटा कि इन्होंने जो है ये ट्री बचाने के लिए फाइट करी थी अपने राजा से और राजा के सामने यानी उन्होंने विद्रोह करा कि आप जो है ये ट्री नहीं काट सकते हो। तो उस टाइम जो है राजा को जब ये बात पता पड़ी कि ये ट्री बचाने के लिए वहाँ के विलेजर्स ने जो है अपनी जान भी दे दी तो उनको बहुत सुनकर आश्चर्य हुआ और वो जो है अपना राजमहल छोड़ के स्पेशली इस विलेज में आए और उन्होंने इस विलेज के जो विलेजर्स थे उनसे बोला उनको बोला और प्रॉमिस किया कि अब आपके विलेज में जो है कोई ट्री काटने नहीं आएगा कोई एनिमल को नहीं मारेगा ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये जो विलेजर्स जिन्होंने अपना जिन्होंने अपनी जान दी उनको बिश्नोई नाम से जाना जाता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि बिश्नोई ट्राइब क्या है तो आप ये बात बता सकते हो कि राजस्थान के जोधपुर के बाद जो खेजारी विलेज है वहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं उनको बिश्नोई बोला जाता है। तो ये मैप हमारा है आपने देख लिया यहाँ पर हमारा राजस्थान और राजस्थान के ईस्ट साइड में जो है हमको ये विलेज मिलता है तो ये जोधपुर यहाँ पर है और यहाँ पर जैसलमेर के दोनों जो है बेटा वो डेजर्ट एरिया है और यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है इस वजह से यहाँ जो है पानी की कमी पाई जाती है और यहाँ पर एक भी वेजिटेशन नहीं होता है। पर ये ट्री जो है इस ट्री को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और इस वजह से जो ये ट्री यहाँ पर होता है। और ये राजस्थान वालों के लिए स्पेशल ये विलेज वालों के लिए मैंने आपसे पहले ही बोला कि कल्प वृक्ष जैसा है जो ऐसा वृक्ष जो ने सारी चीज़ें देता है इसलिए इतने वरदान रूप है इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि ये जो देखो मैंने आपको बता दिया कि